कहानी है कि जब राम भगवान गया पहुँचे थे अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए, तो वो फल्गु नदी है वहाँ, तो फल्गु नदी का भी एक महात्म है कि ऊपर से जल नज़र नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा भी उस तरह से रेत हटा दोगे तो वो पानी आ जाती है। तो अंतः सलीला नदी कहा जाता है। अंतः सलीला मतलब हो गया अंदर अंदर धारा बहती है, ऊपर से सलील मतलब पानी। हाँ, ऊपर से अंतः सलीला नदी है, ऊपर से पानी दिखाई नहीं देगा, नीचे नीचे पानी आती है। तो राम भगवान जब पहुँचे फल्गु नदी में पिंडदान करने के लिए अपने पिता दशरथ का, तो एक पंडा था, उनको बोला कि ये सामान चाहिए, तो सामान में कुछ सामान घट गया नहीं था, उसकी व्यवस्था के लिए राम भगवान बाजार चले आए। इसी बीच में महाराजा दशरथ का हाथ निकल गया, पिंड मांगने लग गए, तो सीता जी वहीं भी बैठी हुई थी, तो अब तो वहाँ पे जो कुछ था नहीं, जो वो काली तिल और जौ और दही जो लगता है पिंडदान करने के लिए जो सामग्री लगता है, वो तो राम जी लाने गए थे, तो वहाँ पर कुछ था नहीं। तो वो क्या किए कि अब तो हाथ निकल गया है, तो अब तो कुछ इनको देना है, तो वही फल्गु का रेत जो होता है बजरी, वो लड्डू बना के उनके हाथ में दी, तो वो चले गए। तो पितर लोग तो कुछ भी दे दोगे भाव से तो तृप्त हो जाते हैं। उधर से जब सामान वामान लेके आए राम जी, तो बोले कि अब फिर बोली सीता जी का, तो पिताजी आए थे, उनको हमने पिंड दे दिया है, पिंड पिताजी आए और पिंड दे दिया, तो उनको विश्वास नहीं हुआ राम भगवान को कि नहीं आप झूठ बोल रही हैं, अभी कैसे हो सकता है। तो बोली कि ठीक है गवाही दिलवा देते हैं। तो एक गाय थी वहीं पर खड़ी, वो गाय से गवाही जब दिए तो गाय नहीं गवाही दी, तो वो शराब देती कि तुम बिस्टा खाओगे, इसलिए गाय गंदी चीज़ खा जाती है पवित्र माता है हम लोग का, फिर भी वो गंदा चीज़ खा जाती। श्रापित है, श्रापित है, सीता से श्रापित है, कर्स ऑफ सीता, कर्स माने श्राप होता है, श्राप वो कर बर सीता जी को हुआ। और उसके बाद एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को जब कहा गया, ब्राह्मण भी गवाह ने दिया, तो उसको विप्र का श्राप हो गया कि तुम जीवन भर तुम गरीबी रहोगे। इसलिए एक विप्र ब्राह्मण तो हमेशा कहा जाता है, जब भी ब्राह्मण की जिक्र होती है उसमें विप्र शब्द जरूर लगा रहता है, विप्र माने गरीब, विप्र ब्राह्मण। एक विप्र ब्राह्मण थे, कहानी भी शुरू करेगा तो विप्र ब्राह्मण थे। तो एक ब्राह्मण और एक गाय को ये हो गया। तो बरगद का पेड़ जो वहाँ पर थे ना, वो बरगद का पेड़ जब वो कहा गया कि इनसे पूछ लो कम से कम, तो उनसे जब पूछा गया कि आपने देखा कि ये सीता जी ने पिंड दे दी, तो बरगद गवाही दे दिया, तो बरगद को आशीर्वाद हुआ कि तुम अच्छे वट रहोगे, कभी तुम्हारी क्षय नहीं होगी।